हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडविला पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डीओए की मैथमेटिक्स क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 10। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम लिख देंगे, ठीक है। आज की जो हमारी वर्कशीट है, इसका टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, तो हमें देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, दिस इज द फिगर ऑफ ए टॉय। ये एक टॉय की फिगर दे रखी है आपको। देर आर फाइव ब्लॉक्स इन इट। इसमें फाइव ब्लॉक्स हैं, ये दे रखे हैं आपको। जैसे कि पहला ब्लॉक ये दे रखा है, ये नंबर वन हो गया। एक ब्लॉक ये है, एक ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ठीक है। वन ब्लॉक इज प्लेस ओवर द अदर। एक के ऊपर एक सभी रखे गए हैं। ईच ब्लॉक इज डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट, और हर ब्लॉक को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अंदर जो लाइन से बात रखा है, ठीक है। आई सॉ ए पैटर्न इन द ब्लॉक एंड रोट। हमने एक पैटर्न इसमें देखा और उसको लिख दिया यहाँ पे। Now you complete the pattern. और इसके आगे का कम जो पैटर्न है वो आप कम्प्लीट करिए और उसे लिख के आगे आने वाले जो अगले दो हमारे पैटर्न होंगे उसको आप अपने होमवर्क कॉपी में करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगले जो दो पैटर्न है वो क्या आ रहे हैं और क्या उसका स्क्वायर रूट आ रहा है और क्या स्क्वायर आ रहा है। वी ओबटेन स्पेशल नंबर दैट इज 1, 4, 9, 16 and 25। हमने कुछ स्पेशल नंबर हमें प्राप्त हुए इससे, कौन कौन से, 1, 4, 9 और 16 और 25। Now we will understand these figures separately. अब हम क्या करते हैं, फिगर्स को अलग अलग समझते हैं। These are special figures, squares. ये अलग फिगर हैं, special squares हैं. Let us find the area. तो इनका एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ, देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहले जो वर्कशीट दे रखी, ये जो ब्लॉक है हमारा, ये दे रखा है, इसमें एक ही है। तो हमें जब पता लग गया कि ये जो हमारा है, ये जो हमने फिगर दी हुई है, ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया हमें पता है जी क्या होता है, स्क्वायर का एरिया साइड इनटू में साइड। तो जब इस ये जो हमें स्क्वायर है, अगर इसमें एक ही ब्लॉक है तो इसकी साइड कितनी दे रखी है, एक ही दे रखी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 into 1 यानी कि 1, ठीक है। ये आ गया हमारा एरिया, 1 स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमें दे रखा है यहाँ पे, देखो क्या दे रखा है हमें, ये दो दे रखा है, दो दो का ब्लॉक है। यहाँ पे क्या है, हमें दो दो के दो ब्लॉक दे रखे हैं, यानी कि एरिया इसकी साइड क्या हो जाएगी, 2। ये जो हो गई कितनी, ये एक ब्लॉक की एक थी, यहाँ तक कितनी हो गई, 2। और ये भी साइड कितनी हो जाएगी, 1 और 1, 2, यानी कि ये साइड भी 2 हो गई और ये साइड भी 2 हो गई। इसके एरिया कितना आएगा, 2 into 2 यानी कि 4 स्क्वायर में, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जो हमें ब्लॉक दे रखा है, नेक्स्ट ब्लॉक में क्या दे रखा है हमें, ये जो ब्लॉक दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी साइड कितनी थी ब्लॉक की, 1 थी, ठीक है। इसमें एक और जुड़ गया 2, फिर एक और 3, तो ये साइड कितने आ गए, 3। ऐसे ये भी कितनी है, 3। तो एरिया कितना हो जाएगा, 3 into 3 यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। नेक्स्ट हमें जो ब्लॉक दे रखा है, 4 का दे रखा है, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, और ये भी साइड कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एरिया क्या आ जाएगा, 4 into 4 यानी कि 16 स्क्वायर में। और इसी तरीके से ये 5 वाला है, इसकी साइड ये वाली भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी, तो आ गया 25 स्क्वायर में, ठीक है। इस तरीके से हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए जी, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल दे रखी है ब्लू कलर में। तो इसमें क्या दे रखा है, परफेक्ट स्क्वायर, ये स्क्वायर दे रखे हैं परफेक्ट। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है कि एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की कैसे पावर के रूप में लिखते हैं, और स्क्वायर का एरिया क्या आता है, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे जो दे रखा है, सबसे पहले नंबर क्या दे रखा है हमें, 1, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, 1 into 1, ठीक है। और ये कैसे होता है, ये हमें यहाँ पे साइड में दे भी रखा है, ये जो हमें साइड में दिया हुआ है, ये क्या दे रखा है, देखिए जी, वी ऑब्टेन स्पेशल नंबर्स दैट इज 1, 4, 9, 16 and 25। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दीज फिगर्स सेपरेटली। दीज आर द स्पेशल फिगर्स Squares, let us find the area. These special numbers 1, 4, 9, 16 or 25 are obtained from the area of square and these are the perfect square. ये किससे हमें निकले, area of square से, और ये सभी perfect square है, ठीक है। और कैसे निकलता है जी, जब उस नंबर को हम अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो निकलता है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 1, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 into 1। और इसी का अगर हम एरिया देखें तो भी क्या आएगा, 1 into 1 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट। 4 दे रखा है तो 4 का एक्सटेंडेड फॉर्म कितना आएगा, इसको किससे करा था हमने मल्टीप्लाई, यानी 2 into 2, 2 और 2 से किया था आपस में, तभी तो 4 आया होगा। और एरिया भी क्या हो गया हमारा, 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा हमें इसी तरीके से 9 जो है वो कैसे बनेगा, इसका 3 into 3, ठीक है, क्या बन जाएगा, 3 into 3, इसको क्या आ जाएगा एरिया, 9 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही 4 का आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट और 5 का आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो किसी भी नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी पावर उसी उतने ही टाइम्स लिख दी जाती है, वो इक्वल ही कहलाता है।
जैसे यहाँ पे वन को कितनी बार मल्टीप्लाई कराएगा, टू, यहाँ लिख देंगे वन की पावर टू, यहाँ टू इंटू टू दो बार है तो टू की पावर टू, ऐसे ही थ्री की पावर टू, फोर की पावर टू, फाइव की पावर टू। इस टू का मतलब ही यही होता है कि वन की पावर टू यानी कि वन इंटू वन, टू की पावर टू यानी टू इंटू टू। इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम एक नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर थ्री। क्लियर है? आगे क्या दे रखा है जी आपको, देखिए ये इज एनी परफेक्ट स्क्वायर, ये दे रखा है आपको, ये रहा इज एनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन वन एंड फोर, फोर एंड नाइन, नाइन एंड सिक्सटीन। तो इसके लिए आपको साइज में टेबल भी दे रखे, इस टेबल को हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर इजीली हम बता सकेंगे। वन इंटू वन क्या है, वन, टू इंटू टू, टू, फोर, थ्री इंटू थ्री, नाइन, फोर इंटू फोर, सिक्सटीन, फाइव इंटू फाइव, ट्वेंटी फाइव। तो सिक्स इंटू सिक्स के सिक्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे सिक्स इंटू सिक्स यानी कि आ जाएगा थर्टी सिक्स, ठीक है। सेवन का कैसे निकालेंगे, सेवन इंटू सेवन ये आ जाएगा फोर्टी नाइन। एट का स्क्वायर एट इंटू में एट यानी कि सिक्सटी फोर। नाइन का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, नाइन इंटू नाइन यानी कि एट्टी वन। टेन का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, टेन इंटू में टेन यानी कि हंड्रेड। तो अब ये बताइए कि इज एनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन वन एंड फोर, वन और फोर के बीच में कोई और परफेक्ट स्क्वायर आया, नहीं आया, ठीक है ना। और फोर और नाइन के बीच में कोई आया, नहीं आया, नाइन सिक्सटीन में आया, नहीं आया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नहीं, नो, ठीक है। आगे क्या दे रखा है आपको जी, वी ऑब्जर्व, नीचे देखिए यहाँ पे, वी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव पैटर्न परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू सेम नंबर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलता है, बाय मल्टीप्लाइंग टू, बाय मल्टीप्लाइंग टू सेम नंबर, यानी एक ही नंबर को जब अपने आप से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर निकलता है। जैसे कि टू इंटू टू फोर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन टू इंटू थ्री जो सिक्स आया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। क्लियर है? चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको हम ट्राई करते हैं। कह रहे ट्राई दिस, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द वैल्यूज गिवन बिलो, इनके बीच में हमें बताना है। 40 और 50 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है, देखिए यहाँ से आपने जो कंप्लीट कर रखी है टेबल, इन दोनों के बीच में कोई है 40 50 के बीच में, तो ये मिल गया जी हमें 49। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, 49, ठीक है, जो कि कैसे निकला है, 7 इंटू 7, ठीक है। 60 70 के बीच में कोई है, हाँ जी ये 64 आता है, ठीक है ना, तो 64 को भी हम लिख देंगे आराम से। 64 कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, ये 64, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू में 2। अगला क्या, 70 80 इसके बीच में आता है, कहीं देखो 70 80 के बीच में कहीं कोई है, नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। 80 और 90 के बीच में, हाँ जी है, ये रहा 81, तो ये आ जाएगा 81, जो कि कैसे आया, 9 इंटू में 9। 90 और 100 के बीच में कोई है, देखो नहीं, 100 है, लेकिन ये 100 को उसके बीच में, 90 और 100 के बीच में नहीं है ना, मुझे तो उसके बीच में बताना है, तो बाद में, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।